आज का जो अपना टॉपिक है बिजी के अंदर वो है रिप्लिकेट वाउचर्स के रिगार्डिंग। देखिए रिप्लिकेट वाउचर्स क्या होता है, अपना कोई बिजनेस होता है उसमें अपने डेली खर्चे होते हैं जैसे पेट्रोल खर्चे है, चाय खर्चे है, दुकान खर्चे। तो बिजी में एक ऑप्शन है रिप्लिकेट वाउचर का। इस ऑप्शन का यूज करने से क्या होगा, आपने एक दिन की मान लीजिए एक मैनुअली एंट्री पास करी खर्चे की कि भाई आज का मेरा पेट्रोल खर्च हुआ 100 रुपए। अब आप चाहते हैं कि आगे की 29 दिन की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाए, तो बिजी आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप आगे के दिनों की एंट्री ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को रिप्लिकेट वाउचर्स का यूज करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा रिप्लिकेट वाउचर्स का यूज, इसी को आज अपन पूरा प्रैक्टिकली कर कर देखेंगे। अब सबसे पहले अपन एक एंट्री पास करते हैं। जैसे मैंने एक एंट्री पास करी 1 अक्टूबर को कि आज के दिन मेरा जो पेट्रोल खर्च है वो हुआ 100 रुपये खर्च, ये मैंने डाल दिया और ये कैश में मैंने पेमेंट कर दी। अब मैं चाहता हूँ आगे के 29 दिन की एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाए, तो वो हो सकती है बिजी के अंदर। इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर आना है, मास्टर में आप आएंगे, उसके बाद आपको बल्क अपडेशन में जाना है। बल्क अपडेशन में जाने के बाद आपको जाना है वाउचर रिप्लीकेशन में। वाउचर रिप्लीकेशन में अपने को यूज करना है सिंगल वाउचर इन डिफरेंट डेट। वाउचर से एक है पेमेंट करना है अपने को, खर्च है पेमेंट होगा, वाउचर यूज होगा सिंगल, पेमेंट और डेट होगी डिफरेंट, 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख। इसलिए अपन ने यहाँ पर सेलेक्ट किया सिंगल वाउचर इन डिफरेंट डेट्स। अपन वाउचर टाइप ले लेंगे, वाउचर टाइप तो पेमेंट होगा क्योंकि अपन पेमेंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी टेम्पलेट्स बनी हुई नहीं है, टेम्पलेट्स अपने को बनानी पड़ेगी। जैसे एक बार अपने को वन टाइम टेम्पलेट्स बनानी है तो अपन यस करेंगे, या यस करने के बाद एक और ऑप्शन अपने सामने अवेलेबल हो जाएगा ये बॉक्स। अब अपने को यहाँ पर वाउचर टाइप लेना है, तो देखिए अपन पेमेंट कर रहे हैं तो अपने को यहाँ पर वाउचर टाइप में पेमेंट सेलेक्ट करना है। अब जैसे आप यहाँ पर शो वाउचर लिस्ट करेंगे तो जो भी अपन ने पेमेंट की मैनुअली एंट्री जितनी भी पास करी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पर सीरीज बतानी है। जैसे अपन सीरीज यहाँ पर ऑल ले लेते हैं, स्टार्टिंग डेट का जैसे मैंने कहा जी 1 तारीख से 31 तारीख में जो भी मैनुअली एंट्री हुई है पेमेंट वाउचर में वो सारी हो जाए, तो सारी आ जाएगी। अब अपने को जिसको रिप्लीकेट कराना है उसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे, यानी उसी एंट्री को अपन बार बार चाहते हैं हर डेट में, तो उसी को अपन सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी अपन ने पेट्रोल की 1 तारीख में मैनुअली एंट्री पास करी थी, तो अपन चाहते हैं यही एंट्री 2 3 4 5 को हुए आगे के दिनों में हो, तो अपन इसी को ही सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर एक बार अपन टेम्पलेट्स का नाम दे देंगे, जैसे मैंने नाम दे दिया डेली एक्सपेंस, इसको अपन ओके कर देंगे और यहाँ से ओके करके इस टेम्पलेट्स को अपन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अपने को बेसिस फॉर वाउचर टू रिप्लीकेट में डेली एंट्री करनी है, तो अपन यहाँ पर डेली ले लेंगे। एक बार आपको सिंपली वीकली पर क्लिक करके वापस आपको डेली पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग डेट मैंने ले ली 2/10 और एंडिंग डेट ले ली 31/10, ये अपन ने यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लिया, यानी इन डेट्स में अपनी जो पेट्रोल की एंट्री है वो इन डेट में ऑटोमेटिकली हो जाए, तो वो डेट अपन ने यहाँ पर बता दी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जनरेट अमाउंट रेंडमली, इसको अपन यस करेंगे तो यहाँ पर अपने को एक रेंज बतानी है कि डेली जो आप एंट्री करेंगे वो कितने रुपए की करेंगे। जैसे मैंने बता दिया कि भाई डेली जो एंट्री होगी ना पेट्रोल की मेरे 100 रुपए से 120 रुपए डेली के लगते हैं, तो अपन ने एक रेंडमली इनको अमाउंट बता दिया, रेंज बता दिया, तो उस हिसाब से ये बिजी 2 तारीख से 31 तारीख में ऑटोमेटिकली इतने रुपए की एंट्री कर देगा। जैसे कभी 100 की कर दी, कभी 105 की कर दी। और अगर आप चाहते हैं कि आप टोटल अमाउंट बता दें कि 2 तारीख से 31 तारीख में टोटल इतने रुपए का पेट्रोल लगेगा, तो वो उनको उस अमाउंट को डिवाइड कर देगा दिन के हिसाब से। तो अपन यहाँ पर अभी रेंडमली एक अमाउंट ले लिया अपन ने 100 से 120 रुपए, और उसके बाद अपन इसको रिप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर रिप्लीकेट होना भी स्टार्ट हो गया है, ये रिप्लीकेट हो गया, इसको अपन ओके करेंगे। एस्केप से अपन बाहर आएंगे, ऑल्ट के साथ एल करेंगे, पेट्रोल एक्सपेंस की एंट्री को आप ओपन करेंगे तो देखिए इसने रेंडमली अमाउंट्स की एंट्री ऑटोमेटिकली पास कर दी है। तो इस तरीके से रिप्लिकेट वाउचर्स काम आता है, इसका प्रैक्टिकली यूज करके देखिएगा। और आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।